बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल ताहिर, यूर क्रिकेट क्लब एंड एकेडमी का कोच, यूर क्रिकेट क्लब एंड एकेडमी के नेट्स पे। हमारे एक व्यूअर ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि इनिशियल यंगस्टर, जो यंग बच्चे हैं, जो न्यू लर्नर हैं, वो कैच कैसे करें और क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। आज हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और इंशाल्लाह बताएंगे आपको कि जो न्यू लर्नर है वो कैच कैसे लेना चाहिए उनको और उनकी क्या पोजीशन होनी चाहिए। जैसा कि आज आपको बताया कि आज हम सिंपल कैच के बारे में आपको बताएंगे। कैच उस वक्त इजी होता है जिस वक्त आपकी बॉडी स्टेबल होती है। स्टेबल मीन के ऐसे पोजीशन पे आ जाते हैं कि आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बिल्कुल एक साथ हो जाए, उसमें आप डाइव के कैच भी आ जाते हैं, सारे कैचेस। लेकिन हम लोगों ने अभी सिर्फ इनिशियल देखना है। इनिशियल आपने कैच जब लेना है, आपकी पोजीशन ये होगी हाथ की, पाम है आपका, बॉल यहाँ मिडल होना चाहिए। और जिस वक्त आप यहाँ पे मिडल करेंगे तो आइस के सामने बॉल लेना है, अपने बिल्कुल आइस के सामने। आइस के सामने बॉल लेके हल्का सा उसकी रेजिस्टेंस कम करने के लिए अपनी बॉडी की तरफ खींचेंगे। जैसे ही आप खींचेंगे तो आपके हाथ ऐसे बंद हो जाएंगे। सिंपल कैच, आपने बहुत टाइट हाथ नहीं रखना, बहुत टाइट, बहुत ढीला नहीं रखना। टाइट रखोगे तो बॉल आपके हाथ से लग के गिर जाएगा, और ढीला हाथ रखोगे तो आपके लगने के चांसेस हैं, बॉल आपको लग जाएगा, इंजरीज होने के चांसेस हैं। सिंपल आसान तरीका, जब आपका हाई कैच आ रहा है, आपने आई ऑन द बॉल, बॉडी आपकी पोजीशन पे हो और आपकी नज़र बॉल के ऊपर हो, और बॉल जब आप ले रहे हो तो बॉल आपके बिल्कुल आई के सामने बॉल होना चाहिए और आपका यूँ कप बनना चाहिए। बैक से यूँ होगा कप आपका, देखें ये सबसे इजी वे है। आप जो इनिशियल जो न्यू लर्नर बच्चे हैं, उन्होंने हाई कैच कैसे लेना है, आइस के सामने और पाम्स के अंदर, और लास्ट टाइम पे बॉल को अपनी तरफ आपने रिसीव करना है उसकी रेजिस्टेंस कम करने के लिए, तो बॉल आप इजीली कैच करोगे और इंजरी के चांसेस कम होंगे। एक दफ़ा मैं फिर बताता हूँ कि कप कैसे बनेगा। स्ट्रेट यहाँ से आपने उसको खींचना है। अभी आपको जिस तरह बताया स्ट्रेट इजी, स्ट्रेट का ट्रेडिशनल तरीका जो है, अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ रिवर्स कप, जो आपका सेम इसको रिवर्स कप। जब आप रिवर्स कप लोगे तो आप पहली जो एहतियात मैं हमेशा न्यू लर्नर्स को बताता हूँ, कभी बॉल अपने आइस के सामने अपने नोज़ के पास नहीं लेना, क्योंकि आप ब्लाइंड हो जाते हो, आपको नहीं पता होता कि बॉल किधर आ रहा है, तो आपको लगने के चांसेस होते हैं। तो आपने जब भी रिवर्स कप का बॉल लेना है, आपने इस शोल्डर के ऊपर या इस शोल्डर के ऊपर या यहाँ चेस्ट के ऊपर लेना है, मुंह के सामने कभी नहीं लेना रिवर्स कप। और रिवर्स कप जो आपके शोल्डर से या चेस्ट से ऊपर बॉल होगा उसको आप रिवर्स कप लोगे, उससे जो नीचे बॉल होगा आप उसको रिवर्स कप नहीं, उसको ट्रेडिशनल तरीके से लोगे। एक चीज फिर, जब आपने रिवर्स कप लेना है उसका तरीकाकार क्या होगा, आपका कप कैसे बनेगा। आपका जो स्ट्रेट कप है ये है, तो रिवर्स कप आपका यूं बनेगा। अब इसमें एक चीज़ बताने वाली है कि आप रिवर्स कप बनाते हुए नीम पीछे जो ये लॉक करते हो, इससे आपको बॉल लगने का चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन आप इस ये जो लॉक बनाते हो, लॉक बनाते हुए ऐसा उल्टा लॉक नहीं बनाना, इसमें आपको बॉल लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आपके जो थंब है वो इंजरी और डैमेज होने के चांसेस हैं और बॉल भी कैच नहीं होगा। तो आपका जो लॉक होगा ऐसे होगा, ये सेम उल्टा कप आपके पाम में बॉल आके लगेगा और उसको आप फिनिश करोगे यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे। ये आज की वीडियो थी। हमारे एक न्यू लर्नर एक व्यूअर थे, उन्होंने इनिशियल जो न्यू लर्नर है उन्होंने कैच, फ्रंट कप और बैक कप, ट्रेडिशनल तरीका और न्यू तरीका जो है बैक कप का, वो उन्होंने पूछा और आज हमने कोशिश की कि वो हम डिलीवर कर सकें। आई होप कि जो न्यू लर्नर बच्चे हैं उनको इससे फ़ायदा हुआ होगा, और मज़ीद जिसको आगे किसी को शेयर करें
और आपसे ये भी हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हमारी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा मैसेज पहुँचे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना, गुड बाय।